नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के लाल कुआं में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। लाल कुआं बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग एवं अतिक्रमण की सूची से बाहर किए जाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। यहां बिंदुखत्ता स्थित कार रोड समीप जड़ सेक्टर स्कूल में एकत्रित हुए हजारों लोगों ने एक ही सुर में राज्य सरकार से जल्द बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने जड़ सेक्टर से लालकुआ तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला, जिसके बाद तहसील पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि बिंदुखत्ता के लोग पिछले लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं तथा बिंदुखत्ता में अधिकतर निवास करने वाले पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधि जनता को गुमराह कर रहे हैं तथा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा को बिंदुखत्ता को राजस्व गांव की याद आती है। उन्होंने कहा कि एक और राज्य सरकार बिंदुखत्ता को अतिक्रमणकारी बताए हुए उसे उजाड़ने की साजिश रच रही है, तो वही दूसरी ओर भाजपा सरकार के नेता बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के खोखले दावे कर रहे हैं, जिनका सच जनता के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी तो यहां अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया गया तो बिंदुखत्ता वासियों द्वारा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार के जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो उन्होंने यहाँ जनता दरबार भी लगाया और वो लोग उसे कह रहे थे कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया जारी है। तो हमारी भी यही डिमांड है, यहाँ के बिंदुखत्ता की जनता की यही मांग है कि बिंदुखत्ता को आप राजस्व गांव बनाइए और जो अतिक्रमण की सूची में बिंदुखत्ता का नाम दर्ज है उस नाम को हटाइए, क्योंकि ये पहले नहीं था। अभी एसडीएम साहब ने कहा है कि बिंदु जो है उस पत्र जो पत्र वायरल हुआ था उसकी जाँच हो रही है। भाई देखिए, इतना बड़ा एक पत्र अगर वो फर्जी है तो वाकई में उसमें जांच होनी चाहिए और ऐसे ऐसे जिन्होंने पत्र जो है वायरल कराया उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। बाकी देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा कि इस रैली को फेल करने के लिए जो है जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन्होंने पूरी कोशिश करी, आप विश्वास नहीं करेंगे। परसों हम सवेरे ऑटो स्टैंड में आए, 100 ऑटो हमने 500 रुपये के हिसाब से तय करे थे। जब सुबह हमारे लोग यहाँ पर ऑटो वालों को पैसे देने के लिए आए तो उन्होंने कहा साहब आप लोगों के लिए कोई ऑटो नहीं है, हमें मना कर दिया गया है। भाई उनको चलना तो यही है ना, कल को पुलिस उनके। कल रात भी भाजपा सरकार के गुंडे जो हैं वो हमारे लोगों को धमका रहे थे और कह रहे थे कि दुकान जो है जबरदस्त कल दुकान खोलना। भाई देखिए, ये जनता को हम घर से उठा के तो लाए नहीं है ना, ये जो है खुद यहाँ पर आई है। और भाई सरकार की मंशा अगर साफ तौर पर ये राजस्व गांव देना चाहते हैं तो ये क्या मांग रहे हैं, क्या राजस्व गांव विरोध कर रहे हैं? ये लोग उस जमीन में बसने वाले लोग हैं जिन्होंने कितने लोगों के बच्चे यहाँ हुए हैं, पिछले 50-60 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये कहाँ जाएंगे भाई अगर आप इनको उजाड़ोगे? तो मेरा साहब सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि भाई देखिए, अगर बिंदुखत्ता वह और भी वन भूमि में बसे हुए लोगों के साथ आपने छेड़छाड़ी करी तो पहली गोली हरेन बोरा को लगेगी। बिंदुखत्ता के बहुत सारे लोग राजस्व ग्राम बनाने की अपनी मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण जुलूस के माध्यम से तहसील आए, उनके द्वारा अपनी मांगें रखी गई, ज्ञापन दिया गया और शांतिपूर्वक ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मुख्य मांग जो उनकी है वो बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाया जाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया जो है वनाधिकार अधिनियम 2006 में वर्णित है और ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हाँ, इसमें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन समय भी लगेगा, कुछ एविडेंसेस की भी आवश्यकता पड़ती है उसमें। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और 2 स्तरीय कमेटी अभी और है, उपखंड स्तर की समिति है और जिला स्तर की समिति है, उसमें भी जाएगा, तब ये फाइनलाइज होने पर आएगा। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है बजरी कंपनी की और संजय नगर है, इसके साथ साथ लगी हुई जो अन्य बस्तियाँ हैं उनके संबंध में भी बड़ा स्पष्ट जो है वक्तव्य पूर्व में आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जो पुरानी बसावटें हैं, जो पुराने गोट हैं, खत्ते हैं और जो बहुत समय से लोग रह रहे हैं,
उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है, तो उस संबंध में उनका ज्ञापन भी आया है कि हमें भी इस प्रकार से अतिक्रमण की सूची में डाल दिया गया, हमें भी न हटाए, तो उन लोगों की जो ज्ञापन है उनकी ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित कर दिया जाए। यहाँ पर हमारे बिंदु खत्ते की पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ पर बढ़ चढ़ करके इन्होंने हमारा साथ दिया। हम पूरे बिंदु खत्ते की जनता का दो ही मांग है, पहला मांग है बिंदु खत्ते को डिफॉरेस्ट करके राजस्व गांव बनाया जाए और जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले 2024 से पहले राजस्व गांव बनाया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि जो अतिक्रमण के हटाओ सूची में आपने हमको छठे नंबर पर डाला है, पहला नंबर आपने तोड़ दिया है, अब हमको डर की भय और सब कुछ हमारे गांव वालों को बहुत भयभीत हैं और वो चाहते हैं कि अतिक्रमण सूची से लिखित में चाहिए हमको कि आपने आश्वासन नहीं, खंडन भी नहीं चाहिए हमको लिखित में चाहिए कि अतिक्रमण सूची से बाहर किया जाए। हम तो चले जाएंगे 4 साल 5 साल बाद, परंतु हमारे नाती पोते और सब लोगों के पास अतिक्रमण सूची में हमारा बच्चों का नाम होगा, बिंदु खत्ते का नाम होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से, अब डबल इंजन की सरकार है, वो अतिक्रमण सूची से सबसे पहले हमको अलग करें और जिस प्रकार से वोट खत्तों के सूची में लोग रखे हैं उसी प्रकार से बिंदु खत्ते की जनता को वोट खत्तों की सूची में डालें। और जब आप गोट खत्तों को टूनिया ग्राम को नहीं, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए संघर्ष समिति द्वारा एक दलगत राजनीति से हट के यहां पर आज एक विशाल जनसैलाब उमड़ा था। सब लोगों का मानना यही है, माननीय स्वर्गीय एनडी तिवाड़ी जी द्वारा बिंदु खत्ता में रोड, बिजली, पानी, आईटीआई और कई विकास कार्य किए, तब से आज तक का वहाँ पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, जिस तरह से जनता को बरगला रही है तो राजस्व गांव बनना चाहिए और शासन द्वारा जो अतिक्रमण यहाँ पर चिन्हीकरण किया गया हुआ है बिंदु खत्ता में कई जगह को, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र एक ऐसी बसासत है, जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर स्कूल है, आंगनबाड़ी है, कई चीज़ें। तो हम लोगों की ये मांग है कि उत्तरा ये